जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो ये समूह से दूर बहुत ही डरा सहमा हुआ दीवार की तरफ मुंह फेर कर बैठा था। उस दिन इसे मैंने जो भी खिलाया वो ये ऐसे खा रहा था जैसे कि बहुत ही गुस्सा हो। ये सब देखकर मजाक मजाक में मैं भी बोल पड़ा कि फूफा जी क्यों मुंह फुलाए बैठे हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ये मजाक मुझ पर इतना भारी पड़ जाएगा और ये पिद्दी सा छोकरा मेरा जीना दुश्वार कर देगा। अब ये मुझसे इतना क्रोधित रहता है जितने तो मेरे खुद के फूफा भी नहीं होते। मैं जिस भी गोवंश को खिलाने जाता हूँ ये वही आ धमकता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका हमेशा मुझे टक्कर मारता रहता है। आखिरकार मैंने भी इसे आज साफ साफ बोल ही दिया कि मेरा बुल्लू ही तेरी अकल ठिकाने लगाएगा, पर मुझे उस समय वहां से जान बचाकर भागना पड़ा जब बुल्लू ने आकर बोला कि वो तो खुद इसकी दया पर जीवित है।